हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग और निशा लाइफ स्टाइल में सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, टाइम हो गया 11:30 है ना, तो बस लंच बनाऊंगी। और आज हम लोग जाएंगे कहाँ, दगड़ूशेठ मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। तो आज मैं सोच रही कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हालांकि मेरे मन में नहीं थी कि आज मैं ब्लॉग शूट करूं, क्योंकि कई कई बार होता है ना कि मन नहीं करता, मत बनाओ तो वो है, बट आज हम लोग जा रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि शूट करूंगी और दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ का मंदिर। बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा, गणपति जी का दगड़ूशेठ मंदिर। ये तो हम लोगों का लंच, रोटी बनाई थी, दाल बनाई थी और चटनी और आलू बैंगन की सब्जी। गाइस, हो गया है लंच और खाना वाना हो गया। यशवी आ गई है मेरी स्कूल से और अभी अंजुअर का भी शायद चेकआउट हुआ होगा, तो वो लोग भी आते होंगे, उनका भी लंच है ना, आके खाना खाएंगे वो लोग। तो अभी पल्लवी रहेगी हम लोगों के साथ 10-15 दिन के लिए एटलीस्ट, तो दिखाती हूँ आप लोगों को, वो आएंगे तब। और शाम को चलेंगे मंदिर, तो वो भी दिखाना आप लोगों को मेरे को, है ना। फ्रेंड्स, अभी कराऊंगी बच्चों को लंच, इनके लेके आ रही मैं दाल राइस। वैसे तो रोटी सब्जी भी बनी थी, बट ये लोग राइस ज्यादा खुश होके खाते हैं, तो इनके लिए लाऊंगी मैं अभी दाल राइस। आ गई ना रे भाभी, है यशवी, और स्कूल नहीं जा रही, सुबह स्कूल कैसे भेजी मम्मी, यू विल जाओ लिया स्कूल, बुआ आएगी। चल यशवी, खिला दो दाल राइस। नोनू आ, चल क्या कर रहे हो बेबू, देखो इधर, देखो इधर, देखो मम्मी की साड़ी, आले आले आले। एवरीवन, टाइम हो चुका है 5 और हम लोग निकल रहे हैं मंदिर के लिए। मैं होगी रेडी, देखिए मैंने पहन ली है ग्रीन कुर्ती और रूम इतना मैसी हो गया कि क्या ही बताऊं। रूम में मेरे वीडियो अलाउ नहीं है, बट मैं बाहर से जरूर दिखाऊंगी और जितनी वीडियो मैं ले पाऊंगी उतनी पक्का दिखाऊंगी आप लोगों को, है ना। और यशवी, नोनू सब रेडी है। और देखिए, नोनू को तो मैंने रेडी कर दिया था, बट उसको जो कपड़े पहने थे वो पहने नहीं है उसने अभी तक, तो अभी देखूंगी उसको, वापस चेंज करूंगी मैं और निकलते हैं हम लोग मंदिर के लिए। तो मिलती है आप लोगों से और दिखाती हूँ बाकी सबने क्या क्या पहना है ना। मंदिर में जा रहे तो कुर्सी तो पहननी ही पड़ेगी, तो सबने वही पहनी है अभी, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या पहना क्या नहीं। हम लोग जाएंगे आज कैब से, कैब कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गाड़ी ले जाते हैं ना तो पार्किंग की जगह नहीं मिलती, तो दो कैब करेंगे और सब जाने जा रहे हैं। बस मोनी केतकी नहीं है, वो लोग क्लिनिक पे हैं और बाकी हम सब जा रहे हैं, सब पल्लवी भी आई है, उसकी बेटी, सब जाएंगे हम लोग, तो वही दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत सारी मस्ती आज के ब्लॉग में बने रही है मेरे साथ, तो मिलती थोड़ी देर बाद में कैब में या फिर मंदिर में मिलकर सीधा। मेरी यशवी, यशवी पहन लिया जी वाली ड्रेस है ना यशवी, चलो जूती पहन लो अपनी, ठीक है। चले क्या, इसके क्रॉक्स मेरे उस पे पड़ी है। आले आले आले, मंदिर चलना, मंदिर चले दर्शन करने चले। मंदिर तो जब जाओगे तो कैब होएगी। क्या सिखा रही है इस लड़के की, 4 ड्रेस निकल गई पर इसने अब तक कपड़े नहीं पहने, देख लो। कैब बुक करेगी कि नहीं अंजाज, एक हो गया ऑटो। मम्मी ऑटो में सारे खराब हो जाएंगे। एक ऑटो तो हो गया, कैब हो गया। आज मम्मी में ग्रीन ग्रीन, मम्मी जल्दी जल्दी हो रही है, आज कैब ही बुक ली हो रही है। एक ऑटो में एक कैब बुक हुई है हम लोगों की, तो अभी निकलेंगे। और ये मिली लेबू, लेबू डांची डांची कर दो, डांची डांची कर दो, डांची डांची वीडियो में मामी की। कैसे रो रहा है ये रेवा, देख कैसे रो रहा है। मैं अपनी गाड़ी में कुछ भी ले जाओ, वोटर बोटर रही हो, कैब में 10 चीज सोचो, क्या हुआ, सोएगा भी ये। कह रही है लोलू आप चुप हो जाओ, मम्मा के साथ चलो। देख देख कैसे बुला रही है, देख सो गाइज निकल रहे हम लोग और मैंने लगा लिया नेल पेंट पैर में भी और हाथ में भी। मम्मी कह रही खाली खाली सा लग रहा है, मंदिर जा रही तो पहन ले, फिर लगाई ली, मतलब इसीलिए बड़े बड़ों का होना बहुत जरूरी होता है पता है। और मम्मी बता भी देती है सारी चीज़, बोल रही है मंदिर जा रही है खाली खाली अच्छा नहीं लगेगा तो नेल पेंट भी लगा ले। और बिंदी तो घर में लगाती हूँ, बट मम्मी ने वो भी टोक दी कि बिंदी भी लगा लियो, तो मैंने वो भी लगा लिया और निकलेंगे हम लोग अभी। वो लोग निकल गए ऑटो से, हम लोगों की कैब ही नहीं हो रही, एक कैब बुक करी और एक ऑटो बुक हुआ वहाँ पर, तो बस मम्मी निकल गई हैं और हम लोग निकलेंगे अभी कैब से। आ जा, चलो चलो चलो। लगी। क्या लग गई बेटा, कह रही लग गई, वहां लग गई पैर दब गई। चलो बस क्या भी यहीं आ जाएगी, दीदी हाय कर दो मेरे ब्लॉग में, चलना नहीं है क्या, है क्या बात, मेन गेट तक ही जाना है क्या। चलो नोनू को आगे ले लेना, चलो दीदी
आप उधर से बैठ जाओ, मैं इधर से यशवी ले लूँ। है ले बू, चलो। हाँ चल चल यशवी, आप आ गया जाओ। भाभी देख रही आ रहा है, आ रहा है। मंत्री नहीं, पल्लवी कुछ हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, उधर उधर ये देखो ना। यहाँ से हम निकल लिए मंदिर की, और ये देखते बहुत खुश हैं सब लोग क्योंकि मंदिर जा रहे हैं हम लोग। तो मंदिर में जाना तो सबको अच्छा ही लगता है, काफी शांति मिलती है। जाए यहाँ पे नोनू सो गया है, ये देखिए कैबिनी सो गया, ये बैठते ही सब पूरा दिन इतना खेला है और यहाँ पे थक के सो गया। ये देखिए मैंने गोदी लिया उसे, देखिए चलो आगे दे दो, रुक जा बेटा। जूती है ना इधर अंदर करके। तो अभी यहाँ से करेंगे हम लोग एंटर। ये देखिए मंदिर में पहुंच चुके, प्रसाद भी ले लिया हम लोगों ने और जूतियाँ वहीं निकाल दी थी। तो बड़ा मजा आता है, इतने सारे हम लोग एक साथ होके गए थे, दो कैब बुक करी थी और इतना मजा आया ना मैं क्या ही बताऊं। वेट वेट वेट, यहाँ लगी मैं लाइन में। ये देखिए आगे जा रही हूँ, बाकी सब लोग आगे निकल गए थे, मैं पीछे रह गई थी क्योंकि मेरे को वीडियो लेनी थी। यहाँ पे सब लोग चले गए हैं। चल 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 आगे से जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो बड़े फास्ट हो। बाय नोनू। सो मंदिर में गए, जब वीडियो अलाउड नहीं थी बट मैंने जहाँ जितना हो सकता है वीडियो ली और यहाँ दर्शन इतने अच्छे हुए ना, इतनी तसल्ली, इतनी शांति, इतना मन शांत होने, क्या ही बताओ। सो यस, यहाँ से मंदिर की होती है मेन एंट्री स्टार्ट। ये देखिए पूरा मंदिर चांदी का बना हुआ है और अंदर से पता नहीं मैं दिखा भी पाऊँगी नहीं, बट मैं दिखाऊँगी जरूर जितना हो पाए। पीछे ना किसका? दर्शन होगी जैसे चार शिव जी के मंदिर में। ये देखिए गणपति पप्पा की मैं बाहर से जरूर दिखाऊंगी आपको। हो गया दर्शन, अब राजा। और यहाँ पे देखिए नोनू को टीका लगाएंगे, अभी अंदर भी लगवाया था बट यहाँ भी लगा रहे हैं पापा। पापा को जितने दर्शन अच्छे से होने से उतना कराते हैं, बच्चों को कई बार धोख लगाते। गई ना यशवी, चलो। तो ये देखिए यहाँ पे ये है गणपति बप्पा दगडू शेड मंदिर, हम जब गए हैं जहाँ पे, और मेन तस्वीर यही है, आप लोग दर्शन भी कर लेंगे अच्छे से। और ये वीडियो मैंने लिया है, कांच लगा हुआ था उसके बाहर की साइड जाके, क्योंकि अंदर से वीडियो लेने नहीं दे रहे थे जो मेन गणपति जी की थी। तो देखिए आप भी दर्शन कीजिए और बताइए कैसा लगा। और ये देखिए बाहर से मंदिर कुछ ऐसा दिखता, अगर आप नेट पर सर्च भी करोगे तो भी पुणे दगडू शेड मंदिर तो बहुत फेमस है, यहाँ का बहुत मानता है इनकी। ये देखिए आप लोग भी। सो ये देखिए मंदिर कुछ ऐसा दिखता, मेरे मन में थी कि मैं पूरा दिखाऊंगा अच्छे से। और ये बाहर की साइड का, इसकी मेन एंट्री दूसरी साइड से है, ये कांच लगवा है यहाँ पे। तो हम घूम रहे हैं यहाँ पे मार्केट, ये देखिए देखो बुक लेनी थी तो वही देख रहे हैं हम लोग कहाँ मिलेगी। कहानी मम्मी और निकल गए थे एक कैब करके, हम लोग दूसरी में थे। पहली बार हम लोगों ने इतना बड़ा मार्केट देखा, मंदिर बहुत बार आया बट मुझे इतना पता था कि बुक का है पूरा मार्केट, बट ये देखिए पूरा होलसेल बुक का ही है। आप यहाँ पे कोई भी बुक ले सकते हो, किसी भी तरह की ले सकते हो, कुछ भी। और ये देखिए रोड पे छोटे छोटे थैली में हर जगह बुक मिलेगी आपको। ये हम लोगों ने जिद से करवा लिया ऑटो, क्योंकि हम बहुत काफी सालों बाद ऑटो में बैठे थे, इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊं, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है जो ऑटो में? अच्छा लग रहा है, काफी टाइम बाद ऑटो में। कैब बहुत लेट भी आती है, मैं मनी नहीं था जब लोग कैब वाले से पूछा ना। और इन दोनों का तो मैं क्या ही बोलूँ, जब से रेवा आई है तब से दोनों इतना खुश है क्योंकि उसका साथ का उसे कुछ मिल गया कोई एज का। तो ये देखिए दोनों जोड़ी कहाँ जा रही है, इनको कुछ नहीं पता, बस हम लोग पीछे पीछे और ये दोनों आगे आगे। देखिए हाथ पकड़ के एक दूसरे के, लोगों को नीचे जाता है एक्चुअली झूले पे, तो वहीं जा रही है लोग सीधा लिफ्ट के आगे आगे रुके। ये देखिए चलो जाओ वॉकिंग कर लो, वेरी गुड।
हे एवरीवन, हो चुका है नेक्स्ट डे और बस कल रात को मंदिर से आए तो डिनर विनर किया, बहुत लेट हो गए थे तो मैं सोचे कि हाथ से शूट करूंगी। तो बस आज मामा जी जा रहे हैं वापस और उनकी ट्रेन है शाम को, तो मैं वो दिखाऊंगी और हम लोग बाहर भी जाएंगे शायद कहीं पे। और बस उनका भी खाना पैक करना, टिफिन पैक करना ट्रेन में, क्योंकि शाम को लगेगा उनको, वो बाहर का खाते नहीं एक्चुअली बिल्कुल भी, है ना। तो वो है और सब्जी बनाई आज पनीर की, मामा जी को पनीर बहुत पसंद है तो बोल रहे थे मेरा वही रख देना, और शायद पूरी बनाएंगी मम्मी। तो वो उनका टिफिन फिन अभी मैं जाऊँगी किचन में, है ना, फटाक से, और उनका खाना रेडी करवाना क्योंकि उनको निकलना है, एक घंटा ही बाकी है। तो बस अभी मैं सोची फटाफट मैं अपडेट दे देती हूँ, तो इसीलिए मैं आ गई थी, है ना। और जिसने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आप लोगों को। सो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, बाय। और आज ये देखिए सेटिंग वापस चेंज कर दिया, मामा जी जा रहे हैं तो ये वाला, हमने ये वाला पोर्शन था वो हटा दिया और ये वाला एक डबल बेड का कर दिया। ये देखिए पूरा चेंज कर दिया एकदम लुक। बन गई सब्जी, बना दी के मामा की, मामा की मामा बना दी। अच्छा अभी अपनी ना बनी ना। तो अपनी भी ऐसे ही बना लेते ना, अच्छी लग रही सूखी। तो गाइस मैं आ गई यहाँ पे किचन में और मामा जी की सब्जी वब्जी पूरी सब बन गया, बस पैक करनी है और अभी फटाक से बर्तन लगाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी वापली सब्जी। मामा जी की अलग बनी थी बिना लहसुन प्याज के, उम्मीद मामा जी ना तो घी खाते ना कुछ, बस मामा जी को चाहिए सरसों के तेल में सब्जी भी और रोटी पे भी। क्या यही बना दिया क्या कपड़े इसको? अच्छा कपड़े पहना दिया, ठंडी थी ना। अंजू निकाल रही है पूरा उसका मामा के लिए, कहाँ चढ़ा दी अंजू, ये जाएगा मेरे ब्लॉग में। ठीक है मामा जी, टाइम पास हो गया था, मामा गल सही है। सो फ्रेंड्स मामा जी जा चुके, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अभी नूनू तैयारी में, अपने नारियल पानी चाहिए उसको, एक्चुअली उसका जूस लगा रखा है बट दो दिन से हम लोग ला नहीं पा रहे क्योंकि बिजी शेड्यूल इतना चल रहा है कि क्या ही बताऊँ। तो अभी मैं दूंगी इसको नारियल पानी दोनों बच्चों को। ये देखिए ये रहा नारियल, ये मैंने को निकाल दिया था इससे, अभी मैं पानी दूंगी। और नोनू अपना सीपर लेके खड़ा है यहाँ पे, ये देखिए नारियल पानी चाहिए उसको, उसको एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी मैं दूंगी यशवी को और नोनू को दोनों को। दीदी का भी सीपर लेके आओ, ये देखिए अभी ये यशवी का भी सीपर लेके आएगा निकाल के। गुड बॉय, कम हियर नोनू, ये। सो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, और अभी मैं करूँगी एंड क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, लेंथी हो चुका है। सो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और आपने इंजॉय करी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों को मिलती रहेगी, ना मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। और अभी मैं करूँगी मेरा दूसरा व्लॉग स्टार्ट, है ना, क्योंकि अभी 2:30 हैं तो मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी शाम को, शायद कहीं हम लोग मे भी बाहर जाएंगे तो मैं वो शूट करूँगी अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको व्लॉग का एंड कर देती हूँ और शाम को एडिटिंग भी करूँगी इसकी, है ना। तो ये वाला व्लॉग जाएगा कल। सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।